जय श्री बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? देखिए बच्चों, गए बार हमारे क्लास का शुरुआत हम एक छोटे से गाने के द्वारा किए थे। क्या आपको वो गाना याद है? तो हम अभी एक साथ गाएं। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। और एक बार गाएं। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। देखिए बच्चों, गए बार क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताई थी कि हर एक क्लास का शुरुआत करने के पहले हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारा आज का क्लास का शुरुआत हम क्रूस का चिन्ह के द्वारा शुरू करेंगे। क्या आपको क्रूस का चिन्ह बनाना आता है? हम कहाँ कहाँ क्रूस का चिन्ह बनाते हैं? कब कब बनाते हैं? सुबह उठते समय हम बनाते हैं। फिर कब बनाते हैं? क्या आप घर में प्रार्थना करते हैं? तो प्रार्थना करने के पहले हम क्या करते हैं बच्चों? प्रार्थना करने के पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। और आप चर्च जाते हैं, तो चर्च जाते तो हम पहले क्या करना चाहिए? हम घुटने टेक के पहले क्रूस का चिन्ह बनाना चाहिए। और सोने के पहले भी हम बेड में बैठते हुए हम क्या करना चाहिए? क्रूस का चिन्ह बनाना चाहिए। तो हम क्रूस का चिन्ह बनाना सीखे, पहले मैं शुरू करती हूँ, उसके बाद में हम एक साथ क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। आपका अंगूठा ऐसा लीजिए। पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हमारे शत्रुओं से हमें बचाइए प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभी हम एक साथ बनाएं। पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हमारे शत्रुओं से हमें बचाइए प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देखिए बच्चों, हमारे पहले पाठ में हम यह सीख रहे थे कि कितना सुंदर है यह संसार। छोटे बड़े, खूबसूरत, सुगंध एवं सुगंध रहित फूल, यह सब किसने बनाया बच्चों? यह सब ईश्वर ने बनाया। और हमारे दूसरे पाठ में हम यह सीख रहे थे कि ईश्वर ने कुछ जीव जंतुओं को भी बनाया है। और आज का हमारा तीसरे पाठ में हम यह सीख रहे हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को रचा। ईश्वर ने किसको रचा बच्चों? ईश्वर ने मनुष्य को रचा। और मनुष्य को कैसे रचा? पुरुष और स्त्री के रूप में रचा। अब आप जानना चाहते हैं ना, पहला पुरुष कौन है? पहला पुरुष आदम है और पहली स्त्री हेवा है। तो हम अब देखिए ईश्वर कैसे आदम और हेवा का सृष्टि करते हैं। बच्चों, अब आप देख लीजिए ईश्वर कैसे आदम को बनाते हैं। ईश्वर आदम को मिट्टी से बनाते हैं
और अपने ही श्वास प्रदान करते हुए ईश्वर आदम को जीवन प्रदान करते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन और मित्रों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। और आप मुझे बताइए, आपको कौन बनाया है? आपको भी ईश्वर ही बनाया है। और ईश्वर हम सबको अपने ही स्वरूप में बनाया है, क्योंकि वह हमको बहुत प्यार करते हैं। तो उस महान ईश्वर को हम हर क्षण हर दिन धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति गाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस छोटे से एक्शन सॉन्ग के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति गाएं। धन्यवाद।